मैंने कभी पंचर बनाया नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और इधर एक और धन्यवाद, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन फॉर योर ट्रिप, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। ठीक है, चलता हूँ अब। ये परोठा है मेरा, खा पी लेते हैं। ये चावल, इसका दाना कितना मोटा होता है, यहाँ गोल गोल मोती जैसा होता है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का आज हमारा है डे 23 और हम जा रहे हैं कोयम्बटूर के लिए। एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, आप देख सकते हैं ये साइकिल को रेडी कर दिया है। वहाँ पर जो गाड़ी है वहाँ पे कैंप लगाया था और ये एचपी का पेट्रोल पंप है। तो समय हो चुका है 8:34, चलते हैं कोयम्बटूर के लिए। कोयम्बटूर का जो डिस्टेंस है यहाँ से 115 किलोमीटर है, वहाँ से आदि होगी जाना है। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए चलते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं अभी लुक थोड़ा सा चेंज कर लिए हैं, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। हेलमेट वो वाला अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डैमेज भी हो गया था, इसके लिए चेंज कर लिए हैं। तो जय श्री राम का नाम लेते हैं, अपने राइड को करते हैं स्टार्ट। गाइस, तो यहाँ पे फिर से हम केरल के हिल्स वाले एरिया में इंटर कर चुके हैं और नज़ारा खूबसूरत हो चुका है। चढ़ाई तो अभी नहीं आया है, मतलब खड़ी चढ़ाई वाला रोड तो अभी नहीं आया, शायद आएगा। तो यहाँ का कुछ सीन देखिए आप। समय हो चुका है 10:10 और यहाँ पे आ गया था मैं परोठा खाने के लिए। ये देख सकते हैं हाईवे से थोड़ा नीचे आ गए हैं और एक होटल है, ये परोठा है मेरा, खा पी लेते हैं, देखते हैं टेस्ट तो सेम ही होगा, तो खा पी लेते हैं उसके बाद राइड को कंटिन्यू रखेंगे। चार्ज में भी लगा दिए हैं, रात में कर नहीं पाए थे तो वहाँ चार्ज के लिए रख दिए हैं, चार्ज हो रहा है अपना, आगे का हम खा लेते हैं। 11:15 हुआ है दोस्तों और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक टनल आ गया है हमारे पास, टनल को पार करना होगा और कितना लंबा टनल है मुझे पता नहीं, एक्चुअली गाड़ी से पार हो रहा है, साइकिल से पार करना क्या है, कितना मुश्किल है वो मुझे नहीं पता। इधर देख सकते हैं पूरा पहाड़ वाला एरिया है, तो थोड़ा सा पार करने से पहले हम पानी वानी पी लेते हैं। ये देखिए कुथरेन टनल, और टनल में जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ लाइट चालू रखें, लेकिन मेरे पास तो कोई लाइट ही नहीं है। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं और क्या, जो होगा जो देखा जाएगा। टनल पहला बार पार कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है कि यार गाड़ी तो जा रहा है, साइकिल कोई कहीं जा नहीं रहा है, ठोक खा के कोई गाड़ी, अच्छा देखते हैं, चलिए चलते हैं टनल को पार करते हैं। उससे पहले पानी पी लेते हैं, बहुत तेज़ प्यास लग रखा है। ये 11:42 हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गया है, 11:16 हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गया है, पानी पीते हैं। तो टनल में इंटर करने वाले हैं, चल रहे हैं टनल की ओर। इन टनल आई एम टेकिंग गुड एक्सपीरियंस, आवाज कितना होगा, ओह माय गॉड, तो पार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है इसके में, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, थोड़ा जल्दी निकलना होगा।
तो फाइनली टनल से निकल गया। लंबा तो था, 500 मीटर था, 50 मीटर मैंने कैसे पढ़ लिया पता नहीं, 500 मीटर था। और अब इधर का नज़ारा, हाय दोस्तों। तो उस टनल को पार करने के बाद कुछ दूर चला और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिला था, तो यहाँ पे आ गए। पानी वानी ठंडा था तो पानी भर लिया बोतल में, और फ़ोन थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, अभी भी डिस्चार्ज है लेकिन काम चलाने लायक चार्ज कर लिया है। समय हो चुका है 1:08, और अभी से मेरा टारगेट है 80 किलोमीटर ही बचा हुआ है जहाँ मुझे पहुँचना है, तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। चलिए तो चलते हैं फिर से। टाइम हो चुका है 2:52, और मैं यहाँ पे एक होटल में खाना खाने के लिए, ये देख सकते हैं होटल में ये मील्स है, ये चावल, इसका दाना कितना मोटा होता है, यहाँ गोल गोल मोती जैसा होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ है। तो फटाफट से खाते हैं, खाने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। 2:00 खाना उना तो खा लिए हैं मस्त, और ये देखिए ये क्या है, ये चाय नहीं ये पानी है, यहाँ पानी गर्म करके दिया जाता है, थोड़ा कलर ही रहता है पानी में, तो पी लेते हैं। कुछ इलायची वगैरह शायद मिलाया जाता है गर्म करके पानी में, हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट चीज़ देखने के लिए मिलता है। खा पी लिए हैं, अब चलते हैं। इस होटल से खा पी करके निकल ही रहा था, यहाँ पे कुछ लोग मिल गए, एक मैम मिले हैं, और व्हाट्स योर नेम मैम? रेहनिया। तो ये भी राइडर हैं, बाइक से राइड कर चुके हैं, तो हमसे मिले तो इनको भी बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक सर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन है। सनातना नेम है, बहुत अच्छा नेम है भाई। चलिए तो यहाँ से मैम से मिले, बहुत अच्छा लगा। आप ऑल इंडिया राइड कर चुके हैं ना बाइक से? ना वो देखिए मैम जो है खुद से बाइक से राइड कर चुके हैं ऑल इंडिया राइड। तो आपको अगर लगता है कि लड़की नहीं कर सकते तो ऐसा कोई बात नहीं, सब लोग करते हैं, जिसका जो मन करता है वो करना चाहिए, लोग करते भी हैं। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, ठीक है, बाय, ठीक है, चलता हूँ अब। चलिए गाइज अपने सफ़र की ओर चलते हैं, कोयम्बटूर जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा 60-70 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। गाइज यहाँ पे समय हुआ है 4:41, और मैं यहाँ पे चल ही रहा था तो कुछ लोग मिल गए हेल्प करने के लिए, रुकवाते हैं हेल्प करने के लिए, और हेल्प करते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। तो यहाँ पे है भैया हैं, क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? वेयर डू यू लिव? योर एड्रेस? सॉरी, योर एड्रेस? पालक्कड़ केरला। तो इन्होंने कुछ हेल्प किया, कुछ पेमेंट कर दिया, तो कल के लिए खाना पीना हो जाएगा, तो थैंक यू सो मच। और इधर एक भैया है जिन्होंने भी कुछ हेल्प किया, क्या ना योर नेम? विग्नेश। यू आर फ्रॉम? कोयम्बतूर। तो भैया ने भी कुछ हेल्प किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन फॉर योर ट्रिप। ओके, ऑल द बेस्ट, डू बेस्ट। ओके, तो थैंक यू। तो इसी प्रकार से ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने सफर को कंटिन्यू रखते हैं। गाइस पता नहीं प्रॉब्लम कैसे कैसे आ जाता है, लोग तो हेल्प कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम अब आया, ऐसा जगह पे पंचर हुआ है साइकिल, देख सकते हैं साइकिल पूरा पंचर हो गया, चक्का जो है बैठ गया इसका, अचानक से देखे तो साइकिल उछल रहा है, तो कहें भाई क्या बात है, देखो पूरा पंचर हो चुका है, देख सकते हैं, बनवाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ से जो लोग बोल रहे हैं कि साइकिल का जो है 2-3 किलोमीटर है, तो 2-3 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, या खुद ही बनाते, लेकिन 2-3 किलोमीटर लोग बोल रहे हैं तो चल लेते, क्योंकि मैंने कभी पंचर बनाया नहीं है। कैसे पंचर हो जाता है, कुछ दिन पहले ही बनवाए थे, चलो देखते हैं। तो दोस्तों डिस्टेंस जो है यहाँ से 51 किलोमीटर बचा हुआ है, और अभी मैं करीब आधा घंटा 40 मिनट से साइकिल को खींच के ला रहा हूँ, कहीं पंचर का दुकान मिले तो। एक हाईवे से अंदर आए हैं, 1 किलोमीटर हाईवे पे चले, 1 किलोमीटर रास्ता क्रॉस करके इस वाले एक गांव वाला रास्ता में आए हैं, तो वहाँ एक पंचर का दुकान दिखा है, चलिए चलते हैं और पंचर बनवाते हैं। क्या कर रहे हैं? पंचर बना दी, पंचर।
पंचर तो बन गया है, पंचर तो यहाँ पे मेरा बन गया है, लेकिन समय भी हो गया है 5:53, 6 बज गया है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है, तो ये तो एक दिन का डिस्टेंस है, आज लगता है नहीं पहुँच पाएंगे कोयम्बटूर। और दोस्तों पंचर बनाने का लगा 50 रुपया, मैं भी शौक हो गया, वाह 50 रुपया लग गया, अगर पता रहता तो खुद ट्राई करते, नेक्स्ट बार खुद ही करेंगे। केरल में हर तरह के लेबरिंग का कॉस्ट ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं। चल ही रहा था, शाम के हो चुके हैं 6:16, और यहाँ पे एक भैया मिले, व्हाट्स योर नेम? दिनेश। योर विलेज नेम? पालाकाड। अच्छा, तो यहाँ पे मिले, शाम तो हो चुका है, जा रहे हैं कोयम्बटूर, तो भैया मिले और कुछ हेल्प किए, तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और यहाँ से कोयम्बटूर का डिस्टेंस जो है 47 किलोमीटर बचा हुआ है, 47 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलते हैं, देखते हैं, शाम तो हो गया है, अगर ज़्यादा रात होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो अगर पंचर नहीं होता तो आप तक पहुँच जाए गए होते, एक घंटा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं। तो गाइस अभी मैं एक ऐसे जगह में आ चुका हूँ खाना खाने के लिए, जहाँ बहुत प्रोसेस के बाद एक बिल मिला है, आप देख सकते हैं ये बिल, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं पार्सल का, पार्सल आएगा तो लेंगे। ये पराठा 3 लिया है, सब्जी कहीं ज़्यादा लग गया, 70 रुपया, तो क्या कर सकते हैं, अब यही होटल है, दूर दूर में कोई होटल ही नहीं है, ऐसा जगह पे पहुँच के रुकना हुआ। पार्सल का आने का वेट करते हैं, पार्सल मिल जाएगा उसके बाद लेकर के चलेंगे, टेंट वेंट लगाएंगे, उसके बाद खा पी करके सो जाएंगे। कोयम्बटूर आज जा नहीं पाए क्योंकि बीच में साइकिल पंचर हो गया था, तो टाइम लग गया और डिस्टेंस बचा हुआ है 34 किलोमीटर, तो रात में तो साइकिल चल नहीं सकता है बिना लाइट का, तो इसलिए रुकना ही पड़ा। लेते हैं अपना पार्सल, उसके बाद चलते हैं आगे। देर वेट करने के बाद आ गया पार्सल, लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों टेंट उंट लगा के आ चुके हैं, टेंट में खाना को ओपन कर दिए हैं और खा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पूरा क्लीन शेविंग कर लियो, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा हो, देखते हैं इस बार रखेंगे थोड़ा। सही बात है, अच्छा तो नहीं लगता, चेंज लगता है पूरा का पूरा। और दोस्तों आज का दिन का जो टोटल खर्चा है 130 रुपया का भी खाना हो गया, और सवेरे 30 रुपया में ही पेट भर गया था, बताइए कहाँ 30 रुपया कहाँ 130 रुपया, अंतर हो जाता है कभी कभी। और लोगों ने बहुत सारा बीच में हेल्प भी कर दिया, नहीं तो एक बार और खाना पड़ता। और दोस्तों आज का टोटल डिस्टेंस जो 76 किलोमीटर मैंने किया, कोयम्बटूर पहुंच जाते 34 किलोमीटर और बचा है, लेकिन बीच में साइकिल पंचर हो गया तो 50 रुपया पंचर का भी लग गया, तो टोटल खर्चा आज का हो गया 160 + 50, 210 रुपया के आसपास में हो गया। और तो यही था आज का स्टोरी, आई होप कि आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। कल मिलते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, कोयम्बटूर पहुंचेंगे, वहाँ पे हमारा कोई दोस्त का दोस्त है जो इंतज़ार कर रहा है, तो वहाँ पे चलेंगे, एक दिन ठहरेंगे, साइकिल का सर्विसिंग कराएंगे, उसके बाद आदि योगी के लिए निकल जाएंगे, आदि योगी का दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, कीप सपोर्टिंग, बाय।